नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आगे विशेष पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चेंज ऑफ साइन और चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताया था, उसी को मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा और उससे आगे मैं और ढेर सारी बातें मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपना बातें होते रहेगी। ये जो सच है, सबसे पहले मैं कल जो बताया था मैं उसका कुछ रिवीजन करा दूं और उससे भी कुछ नया अंदाज में, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये कैसी क्या सुनाई और दिखाई दोनों हो रहा है ना। सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बनाएंगे ऐसे करके, जो पिछले वीडियो लेक्चर में भी बनाए थे, ताकि आपको याद हो जाए। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में भी है। ये कंबाइंड फॉर बायोलॉजी एंड मैथ्स स्टूडेंट के लिए है, जो कि फिजिक्स में यूज होगा। ज्यादा नहीं बताया जाएगा, बल्कि इतना जरूर बताया जाएगा जिससे आपका काम हो सके। इसमें क्या है, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें नया क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? नया है ये हुआ आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। तो ये कितना हुआ, ये लाइन 90 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे और ये 270 डिग्री पे और ये वापस आके कितना हो जाता है, 360। और इससे आगे भी जाएगा, लेकिन हम इसे आपको बेस मान के और आगे तक बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सारा का सारा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है और इसे छोड़ के बाकी निगेटिव होता है। इसमें टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होता है और बाकी का निगेटिव। इसमें कॉस और सेक, ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। आज एकदम धीरे धीरे बताया जाएगा, क्योंकि कई बच्चे का मैसेज आया, सर पिछले वीडियो में थोड़ा तेजी से पढ़ा दिए थे ना, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर को हम इसमें रिवीजन करा देता हूँ आपको, ताकि परेशानी ना हो ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब 90 में से कम, कुछ कम, तो इससे आप ये भी बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। इसमें क्या बोल सकते, इसको दो तरह से बोल सकते हो, 90 प्लस थीटा नहीं बोल सकते, 90 में थीटा एंगल जोड़ दिए, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो 180 माइनस थीटा, ये भी बोल सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये भी हो, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 प्लस थीटा ना जी। और इसमें अगर यहाँ से लिखो कितना, 270 माइनस, इसमें क्या लिख सकते हो, 270 डिग्री प्लस थीटा, या और क्या लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा ना, इस तरह से आप लिख सकते हो ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, आप इसको याद करने का ही तरीका बता दिए थे। याद करने का तरीका क्या था, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, स्कूल के बाद फिर बैजू क्लास, ऐसा कुछ ऐड आता है यूट्यूब पे, ये आफ्टर, ये स्कूल, इशारा तो आप समझ ही पा रहे होंगे, स्कूल से साइन और टी से टॉर टेन और इससे कोचिंग से क्या हुआ, कॉस और से। यहां तक कोई परेशानी, मतलब ये सब जो हुआ ना वो सब पॉजिटिव। अब ये कि इसको बोलते हैं साइन रूल, इसको साइन रूल करके बोल सकते हैं। और इसे जस्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट को देखिए,
देयर आर चेंजेस, ध्यान से देखिए सेकेंड वाला, देयर आर चेंजेज इन, देयर आर चेंजेज इन, जिस बातों को कल हमने बताया था ना मौखिक, उसी बात को आज लिखा भी देना, लिखा हुआ ज्यादा बेहतर, ऐसा हमें स्टूडेंट बताया, सर लिखा भी दीजिए, नोट्स भी बनाना होता है ना, उसी सब चीज को ध्यान में हमने सोचा क्यों ना कुछ बच्चे का भी बात मान लिया जाए आज ना। देयर आर चेंजेज इन, चेंज कब होता है, जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, एंड कल बता दिए थे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू करके, तो उसमें हमने देखा फील किया तो बच्चा को परेशानी लग रहा है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ अच्छा तरीका से बताया जाए। देयर आर चेंजेज इन 90 इस तरह से एंड 270 प्लस माइनस थीटा, ये थीटा जो बार बार एंगल जो लिख रहे हैं ना, ये थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में ही है, ऐसा नहीं आप 90 में से 180 सब्ट्रैक्ट करके आप बहुत दूर भाग जाइएगा, 90 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना 90 तक ही, बहुत ज्यादा ज्यादा आप 90 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 90 से ज्यादा नहीं, तो इसे कल होके आपसे कोई पीछा ना पड़ जाए, आपका कोई पीछा ना पड़ जाए, इसके लिए आप लिख सकते हो जो थीटा का वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू है ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 90, ये जो थीटा बार बार लिख रहे हैं, परेशान करने वाला कमी थोड़ी है ना, नहीं तो मालूम चलेगा कल कोई टीचर ही गलत ढूंढ के बोला, गलत पढ़ा दिया ना, मेरा मानना है बच्चा को कभी भी गलत नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाइए वो सही लेकिन गलत मत पढ़ाइए। देयर आर चेंजेज इन 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, तो वो किस तरह से चेंज होगा, अगर जो बच्चे कल का क्लास अच्छी तरह से देखे हैं उन्हें उन्हें हिंट मिल रहा होगा, अगर नहीं भी हिंट मिल रहा होगा अभी से उन्हें मालूम चल जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, ऐसे करके ना? ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ना, इस तरह से यहां तक कोई प्रश्न, अब चेंज किस में नहीं होगा वो भी लिखा देते हैं ना, लिख करके जैसे ये लिखे ना, ये क्या है रूल ऑफ साइन चेंज, ये रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज, सेकेंड रूल में क्या देते, यहां देखिए देयर आर No change, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कब चेंज इन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, जी कल भी बताए थे, कल भी ध्यान से, अगर कोई एंगल यहां से चेंज होगा मतलब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा लिखे, वो साइन वो कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे साइन से कॉस, कॉस में साइन, ये कैसे अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ से इधर या इधर जाएंगे तब उस केस में हम बता सकते हैं, जैसे ये और ये लेंगे ना तो उस केस में ये वाला जैसे साइन कॉस, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि ये सब पिछले वीडियो में बताए थे लेकिन उस वीडियो में मेरा उद्देश्य था आपको इस तरह से बताया जाए तो लिखने का परेशानी ना हो, लेकिन फिर सोचे कुछ नोट्स भी बनवा देते हैं, ऐसा स्टूडेंट बोला तो मुझे फील हुआ क्यों ना आप ही लोग के हित में कुछ आगे काम किया जाए। देयर आर नो चेंजेज, इट मीन्स इसको और एक्सप्लेन करके लिखवा देता हूँ ना, साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नो चेंज होगा, कॉस कॉस में ही हो जाएगा ना, जब उतना चीज लिखवा ही रहे हैं, पहले हमने समझाया और टीचर की तरह नहीं डायरेक्ट लिखवा ही दी, मेरा हमेशा से मकसद रहा है बच्चा को समझा दीजिए तो वो ज्यादा टिकाऊ होता है, नोट्स तो आपको इधर उधर से भी मिल जाएगा ना, बड़े बड़े लोगों का टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, कॉट कॉट कॉसिक कॉसिक
इसमें नो चेंज होगा, कहने का मतलब नो चेंज। तो ये रूल आप इसी में लिख लीजिएगा, ये इसमें चेंज है और इसमें नो चेंज है। इसका इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज कैसे होगा, तो पहले हम इस पे कुछ बता देते हैं। एग्जांपल तो कल भी बताए थे, लेकिन हम कोशिश करते हैं आज एक टेबल बनवाते हैं। आज एक क्या बनवाते हैं, टेबल बनवाते हैं। टेबल को ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया इक्वेशन सिंपल ऑब्जेक्ट टेबल, तो छोड़िए कैंसिल कीजिए टेबल, देखिए सही रहेगा तीन तीन, इसको थोड़ा बड़ा कर ली, ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो जो तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन, पहले इसका दो तीन कॉपी भी कर लेते हैं, दो तीन कॉपी। ये क्या है साइन थीटा कर, उसके बाद ये कॉस थीटा, जो आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यही है दो, और दो इसका क्या अपोजिट करके वन बट्टा साइन करेंगे, तो कॉस से मेन फोकस मेरा यही पे यहाँ पे रहेगा मेन फोकस। ये तो बना हुआ है, ये तो बना हुआ है साइन कॉस टेन, कैसे लिखवाएं सो आपको परेशानी ना। छोड़िए छोड़िए, अगर माइनस थीटा रहे, अगर माइनस थीटा रहे क्या होगा, छोड़िए छोड़िए, ऐसे 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 मोर कारीगर साबित नहीं होगा, फिर आप टेबल रीड नहीं कर पाइएगा, तो वैसा टेबल बनाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए साइन माइनस थीटा कॉस, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना समझे, ये सब यूज नहीं होने वाला है, यूज होगा आपका यूज होगा। ये क्या है कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा पे ध्यान दे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, और उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का यानी कॉस, ये साइन माइनस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस, यहां से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए परेशानी। ये चीज को याद कर लीजिए, याद क्या कीजिएगा, याद क्या कीजिएगा, अगर इसको हम ऊपर वाले से कंपेयर करके इसमें देखें, साइन माइनस थीटा यहाँ पे भी डायग्राम बता के बना के आप बता सकते हैं, साइन माइनस थीटा इसमें आएगा ना, इसमें आएगा, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव है, यानी कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, कॉस और सेक को छोड़ करके बाद बाकी सब निगेटिव, तो साइन निगेटिव निगेटिव, ये टेन निगेटिव, और ये साइन टेन इसीलिए नहीं हो रहा है, क्यों, ये 360 या जीरो में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जीरो में से जीरो में सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो 360 छोड़िए, जीरो में से, इसीलिए इसमें नो चेंज हो रहा है, साइन साइन में लग गया, कॉस कॉस में हो गया। ये सब खास के ये वाला फॉर्मूला आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, वेक्टर करके स्केलर को एडिशन ऑफ वेक्टर करके है, तो उसमें आपको ये काम देगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। या इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए तो कॉसेक माइनस, लेकिन माइनस कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस माइनस बोलिए कॉट थीटा, एक माइनस थीटा क्या होगा, मैंने आपको पूरी तरह से पहले समझाने का कुछ वैल्यू बताइएगा, जैसे टेन
माइनस 45 डिग्री का वैल्यू क्या, कॉस माइनस 45 डिग्री का, टेन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या, साइन माइनस 60 डिग्री का क्या। तो आप इतना बता सकते हैं, ये सब तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा मान के चलिए साइन 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 टेन और कॉसेक, ये सब नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, कॉस क्या जाता है नेगेटिव को डाइजेस्ट कर लेता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत टीचर लोग समझाते भी हैं। तो ये डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/ टेन 45 नेगेटिव बाहर आएगा, टेन 45 इसमें कितना हो जाएगा माइनस, इसमें टेन माइनस 30 डिग्री का तो माइनस बाहर टेन 30। आई थिंक आज आपको पहले से और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो। साइन 60 का क्या होगा, माइनस साइन माइनस रूट 3/2। इस तरह से आप नेगेटिव क्वांटिटी भी निकालना सीख गए। अब दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल इसे बताने का कोशिश करेंगे, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, और ये क्या है टेन 90 प्लस, ये क्या है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, और ऊपर में भी लिखाए थे जब भी 90 वाला थीटा 90 में से कुछ 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तब साइन कॉस में टेन कॉट में आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ से इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आते तो वीडियो को बार बार देखिए, हमें कॉमेंट बताइए, बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार देखिए समझ में आ ही जाएगा। तो साइन है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो गया ना, आधा रास्ता तो अपना लोग का कवर हो गया। अब साइन देखना है, साइन साइन बोले तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, हाँ हाँ, साइन वाला सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव होगा। इस तरह से समझ में आया क्या, आगे और टेबल बताते हैं आपको। इसमें देखिए इसी को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा, ये कॉस है सी यूएस। इसमें क्या लिख सकते 180 में से माइनस हो रहा है, 180 में से माइनस होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही और टेन का टेन ही। अब देखना है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 माइनस थीटा ये हुआ 180, कुछ माइनस करेंगे तो इसी में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है और बाद बाकी नेगेटिव, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वन एट्टी प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, ये सब खुद भी लिख सकते हैं, टीचर पे कितना डिपेंडेंट रहिए, 180 प्लस थीटा फिर भी लिखा देते हैं हम। फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखाना चाहते हैं क्योंकि आप ही बताइए ना कितना फॉर्मूला याद रखिए, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में से प्लस माइनस हो रहा है ना, मतलब वो वही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही और टेन का टेन, हालांकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन वाला पॉजिटिव होगा और बाद बाकी नेगेटिव। एकदम इस तरह से हो गया ना, एक जो और इम्पोर्टेंट है वो लिखा देते हैं ना, इम्पोर्टेंट क्या ये सब खुद से भी लिख सकते हैं उतना हर। नाइन्टी माइनस थीटा लिखने ये तो याद ही रहता है 90 माइनस थीटा वाला, चलिए मजाक कर ही लेते हैं, बस कितना cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा। ये हालांकि ये चीज का हम देखे भी है लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा सब पॉजिटिव ही होता है, देखिए तो
अगर आप ध्यान दिए होइएगा तो जो साइन 30 का वैल्यू होता है, सेम टू सेम वही कितना होता है, कॉस 90 माइनस 30 बोले तो कॉस 60 का वैल्यू ना, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ना, कॉस 60 का वैल्यू वही तो होता है साइन 90 का, साइन 30 का वैल्यू ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60। हालांकि इस बात को पिछले कई क्लास से यूज कर रहे हैं लेकिन उतना एनालिसिस कर नहीं पाते। तो क्या यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये सब में से जो मैन है ना, जो आपको फिजिक्स में इम्पोर्टेंट होगा, वो निगेटिव एंगल वाला, ये वाला। एक बार और इसी में लिख के बता देते हैं, जैसे साइन निगेटिव है ना, साइन माइनस थीटा, इसका खूब यूज होगा। कॉस ही ऐसा है, कॉस और से जो निगेटिव वाला को डाइजेस्ट कर लेता है, बाद बाकी सब बच्चा कह सकता है ना, इस सब में से निगेटिव बाहर कर ले, ऐसा नहीं है। ये सब का रीजन जानने के लिए अब जब 11th का क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय आप आके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें हम अभी वही चीज डिस्कस करेंगे जो आपके 11th में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहले हम कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ये क्वेश्चन कराइए, देखिए इसमें अगर कराना शुरू करें ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा। जब फिजिक्स वाले सर क्लास स्टार्ट करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए वो इन सभी फॉर्मूला का यूज करा ही लेंगे, ना चाहते हुए भी आप करा लीजिए फॉर्मूला का। लेकिन वही बात, अगर आप पढ़े ही नहीं रहिएगा तो परेशानी तो है ही ना, परेशानी तो ही जाएगा। जैसे अभी साइन 225 का केस था, साइन 225 को किस तरह से खींचे, कहीं हमको रफ आइडिया मिल जाएगा 180 है और यहाँ पे क्या है, 270 है, कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा ना। तो आप अपने अरेंज करेंगे कितना 180 में कितना ऐड करेंगे कि 225 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 45 ना, बोल सकते हैं। या एक और तरीका है 270 माइनस करके, वो भी आपको बताएंगे अभी ना। 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब वो नो चेंज होता है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, यहाँ दिखाना पड़ेगा। 180 प्लस माइनस में कुछ करेंगे तो उसमें नो चेंज, तो मतलब ये कॉस वाला तो कॉस 45 ही रह जाएगा। अब निगेटिव होगा या पॉजिटिव, निगेटिव होगा, ये कितना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव, कहीं ना कहीं निगेटिव लग जाएगा यहाँ पे। कॉस 45 का वैल्यू आप लिख ही सकते हैं 1/2 और निगेटिव इसमें ऐड हो जाएगा ना, निगेटिव ऐड। और दूसरा बच्चा किस तरह से बना सकता है, दूसरा बच्चा इसी क्वेश्चन को इस तरीका से बना सकता है किस तरीका से, यहाँ देखिए यहाँ पे हम थोड़ा रफ करते हैं, आप परेशान मत होइएगा। इसी को लिख सकता है दूसरा बच्चा साइन 270 माइनस, अब बताइए 270 में कितना माइनस करना है, 270 में कितना माइनस करना है, आई थिंक 45 माइनस करना ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ये निगेटिव होता है और ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस 45, और वही बात कॉस 45 का, सॉरी यहाँ तो बदलेगा ही नहीं ना, गलत हो गया, बोले सही बात लिख नहीं पाते, साइन 45 का 180 में से कुछ प्लस माइनस करने पे चेंज नहीं होता, कितना साइन कॉस 45, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ढेर सारे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वही बात फिर बोलेंगे ना, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है आप निगेटिव वाला को ध्यान दें, और बात बाकी आगे निकालने के लिए तो 17 से 10 का भी निकाल सकते हैं, वो कैसे वो हम बता,
सत्रह से दस, ये कॉस माइनस सत्रह से दस। हालांकि ये सब उतना फिजिक्स में यूज पड़ेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं ना कॉस के अंदर नेगेटिव थीटा रहे, मतलब ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा, इसे आप ऐसे कर लीजिए कॉस। अब इसका जो वैल्यू होगा ना इसी के इक्वल। अब बताइए ये कैसे होगा, ये 360 हो गया, फिर घूम के आएंगे कितना हो गया एक और 360, 720, एक बार और घूम के आएंगे, एक बार और घूम के आएंगे, तो कितना बार घूमेंगे। तो इसको 1710 को पहले हम कितना 90 से डिवाइड कर दें, छोटा रहेगा 360 से, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं किसी से भी। तो जैसे जैसे आपका सीखेंगे ना वैसे वैसे आप, अगर हम इसमें देख ले इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos 360 into 5, cos 360 into 5 minus 90। तो कैसे आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं बताइए, कैसे ला सकते हैं। तो इस तरह से ला सकते हैं, अपना लोग बहुत तरीका कर सकते हैं इसके लिए 1710 के लिए। ये ऐसे कीजिए, सबसे आसान तरीका है ना 1710 लिखिए और 90 से डिवाइड कीजिए, 90 से डिवाइड कैसे होगा, दो दो टाइम्स में कटेगा नहीं, एक टाइम्स में कटेगा, तो 91 और 8 और 0। और देखिए 9 8 72 99 91, ये क्या, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। तो ये क्या हुआ cos 710, यही ना cos 710 इक्वल टू कितना हो गया cos ना 90 को 19 टाइम्स, और क्या हुआ प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस या प्लस जीरो कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जीरो भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है ये किस में होगा, इस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, एक जैसे ये कितना हुआ एक दो तीन, एक तीन यहाँ पांच आएगा, यहाँ सात आएगा, नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब ये यहाँ पे एंगल बन रहा था। इसमें से कुछ ऐड कीजिएगा तो कॉस कितना बन जाएगा, साइन नहीं कुछ ऐड कीजिएगा सब टैक कीजिएगा साइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव तो कितना होगा साइन, ये जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना जीरो होता है। तो इस तरफ से भी आप कर सकते, हालांकि इतना आएगा नहीं, जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं भी सीख पाए हैं तो परेशान मत हुई, परेशान मत हुई, कैसे हो जाएगा आगे सीख जाएंगे, आगे सीख जाएंगे। इसीलिए ये सब क्वेश्चन से फिजिक्स वाले स्टूडेंट को अभी बचाया जाता है, क्यों ये सब यूज होगा नहीं तो बच्चा झूठ मूठ का परेशान हो जाए। आगे हम चार फॉर्मूला लिखने वाले हैं, अब जिसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि वो फॉर्मूला पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी कौन इतनी रात को मैसेज कर रहा है। हम जो भी लिखा है ना उस क्लास को आप ठीक से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको काम देगा, बिल्कुल सही काम। इसलिए आप धीरे धीरे पढ़ा रहे, परेशानी ना, तबीयत थोड़ा आजकल खराब लग चल रहा है। जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिए, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जो हर एक बच्चा को याद होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब क्या कीजिए दोनों तरफ से कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक फॉर्मूला हो गया।
दोनों तरफ से कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और वन बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ जिससे स्टूडेंट बच नहीं सकता, ये आपका यूज होगा। इसको यूज करते करते एक दो फॉर्मूला और लिख देते हैं जो आपको यूज होगा। वो कौन कौन फॉर्मूला है, 11 का फर्स्ट चैप्टर में ये सब फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन जाने तो रहिएगा तब। एक तो कोरोना है और उससे भी पहले आप अगर नहीं जाने रहिएगा तब तो परेशानी है। कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस, कॉस ए प्लस बी, पहले हम साइन ए प्लस बी बता देते हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ना बच्चा पार्टी। अगर इसी में क्या होगा, यहाँ पे परेशानी नहीं होना चाहिए ना। अगर ए को बी से हम रिप्लेस कर दें, देखिए तो साइन माइनस ए माइनस बी क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो क्या कर सकते हैं, साइन, ध्यान दीजिए कितना फॉर्मूला याद रखते लिख दीजिए, जैसे जैसे टू माइनस थ्री को ऐसे नहीं लिख सकते, टू प्लस माइनस थ्री, टू प्लस माइनस थ्री, तो उस तरह से अगर लिखने का कोशिश कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए और साइन माइनस बी। अब क्या होगा, थोड़ा देर पहले ही बताए थे कॉस माइनस थीटा थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस, इसीलिए यहाँ पे कॉस ए लिख दिए और यहाँ से जो माइनस निकला था उसको यहाँ लिख दिए साइन बी। जिन बच्चे को समझ में आ रहा है वो बच्चे समझ जाए, जिन्हें नहीं आ रहा है वो जिसको याद कर ले। यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था। हम पूरा कोशिश करते हैं बच्चा को फॉर्मूला बता दे, याद करा दे, लेकिन नहीं याद हो पाता है तो क्या करेगा, रटना तो पड़ेगा। ए प्लस भी छोड़िए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब जल्दी जल्दी करा देते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस टू ए का क्या होगा, कॉस टू ए, इसमें एक और लिखा टेन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला बार बार आएगा, बार बार टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। जब भी डायरेक्शन निकालना होगा किसी का डायरेक्शन फिजिक्स में, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं होगा ये फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालना है, डायरेक्शन डायरेक्शन निकालना है, तो ये सब फिजिक्स के चैप्टर में पहली बार देखिएगा तो पहला प्यार का पहला गम गम होता है, हंसी नहीं होता हंसी, यहां तक मालूम चल गया ना। जो डबल एंगल वाला है उसमें से दो तीन फॉर्मूला जो काम का है वो बता देते हैं, जैसे साइन टू है जो काम का है वही बताएंगे। साइन टू इंटू साइन ए कॉस, दोनों तरफ एंगल में अगर आप, ये भी फॉर्मूला है, दोनों तरफ एंगल में आप अगर दो से डिवाइड कर दीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा ए, तो इधर कितना हो जाएगा टू साइन, एंगल में डिवाइड करना ए बाई टू और यहाँ कॉस ए बाई टू। इन्हें नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ
ये तो बात समझ में आया ही होगा क्या कि एंगल में इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। कॉस में भी इस तरह का होता है, कॉस में भी इस तरह का होता है, ध्यान दीजिए कॉस टू पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कई तरह से इसको लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन भी लिख सकते हैं। वो सर यूज करा लेंगे, सर आपसे ये सब फॉर्मूला यूज करा लेंगे, बस आप इसे ध्यान में लेके चलिए ना, ना जब पहली बार देखिएगा ही तो आपको दर्द होने लगेगा। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए, आप ये मत सोचिए जो आपको कैसे याद हो गया, याद हो जाता है, याद हो जाता है ना। यही सब काम ही रहा था क्यों नहीं, अगर कैसे याद करना है, ये सब का तरीका है, सबका फॉर्मूला का प्रूफ भी है, लेकिन फिजिक्स में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। अभी नया नया टेंथ से पढ़ के आए हम, ज्यादा समझाने लगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो सब चीजों का ध्यान में रखता है। हमें जितना भी हो सके कम समय में हमने ज्यादा बात बताने की कोशिश की है, जिन्हें इंटरेस्ट है पढ़ने में वो हमारे मैथ चैनल पे विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो चलते हैं, इन्हीं सब बातों को लेके आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।